हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है महमूद अंसारी और आप देख रहे हैं हैंडलूम नेटवर्क। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सामने है ये मेरा रोलर है, तुर। हमारे यहाँ इसको तुर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ में ये भी लिखें कि आप कहाँ से हैं, वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। ये रोलर है, इस पर हमारी भीम भरा जाता है, मतलब पूरी तानी इस पर लपेट लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी पहले की तानी थी, सफ़ेद थी, ये देखें सफ़ेद थी। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें काली जोड़ना है, ये मेरी काली है, ये वाली जोड़ना है, मतलब वॉर्प चेंज होना है। जैसे अपना आता नहीं है 10-12 साड़ी का होता है, किसी के यहाँ 16 साड़ी का होता है, उसके बाद चेंज होता है, तो इसी प्रकार से ये मेरा ब्लैक लगना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ब कैसे जोड़ा जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का। तो इससे देखिए, ये एक मैंने लेटर ले ली है, गुल, हमारे यहाँ इसको गुल बोलते हैं। तो ये मैंने एक ले ली है। सबसे पहले मैं एक गुल इस तरफ की बांध दूंगा, जिससे कि ये अपने गुरारे हैं ना दो, ये सीधे रहें, टेढ़े ना हो। चलिए मैं जल्दी से बांध लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी गुल बन चुकी है। अभी मैं ये बाकी की जो गुलें हैं मैं गुरारे पे कर देता हूँ। आप देखिए, ये इस तरह से इसे पहले साफ़ करना होगा गुल को, मतलब इसमें कोई भी उलझन ना रहे, मतलब उलझे नहीं। उससे क्या होगा, आपको राच ये जोड़ने में एक एक तार निकालनी पड़ती है, वो निकालने में परेशानी होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको अच्छे से एकदम साफ़ करना है, जैसे कि उलझे नहीं। अब मैं इसमें गठान लगा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कर ली। अब इसे भी अपन को सही करना है इस तरफ की। ये मेरा बॉर्डर जुड़ा हुआ है पहले से, क्योंकि मेरी ओनली तानी अकेली जुड़ना है। बॉर्डर, दोनों बॉर्डर मेरे हैं, तानी अकेली जुड़नी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे साफ़ करना होगा सीधा, उसके बाद जुड़ना शुरू कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो दिक्कत होती है। आप सभी से गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल हैंडलूम नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये इसके बीच में से निकालनी पड़ेगी अपन को इस तरह से। ये ऐसी लगेगी, और अब इसे एक, ये देखिए, इसके बीच में से निकाल के अब अपन इसमें एक डोरा बांधेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए दोस्तों, ये डोरा है, इसमें अपन एक फंदा लगा लेंगे इस तरह से। और अब अपन क्या करेंगे कि इसकी जो गठाने हैं ना दोनों जगह, उनके नीचे साइड, मतलब गठानों को निकाल के पार उसके अंदर साइड अपन इस डोरे को कस देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये इसमें एक आध दो अंटे लगा देंगे, जिससे कि ये अपन को अटके नहीं, हाथ में ना अड़े। और अभी इसे अपन थोड़ी सी दूर ले जाकर बांध देंगे। ये किस लिए है कि अपन को ये गुल, मतलब जो तानी है ना, ढीली तंग, ये देखिए ढीली तंग करने के लिए, अगर ढीली हो जाए तो अपन टाइट कर पाए। ये देखिए, ये राख है, ये कंडी की राख है, गाय का गोबर जो सूख के कंडा बनता है उसकी राख है। ये पूरी तरह से जलने के बाद ये सफ़ेद हो जाती है, बहुत देर तक अपने आप जलने के बाद सफ़ेद हो जाती है, फिर इसको यूज़ में ली जाती है। उससे क्या हो कि जब अपन तारों को पकड़ के ट्विस्ट करते हैं ना, तो आसानी से ट्विस्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए,
ये अपन एक एक तार निकालेंगे छांट के। अगर आप देखना चाहते हैं कि हैंडलूम बूटा मशीन कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन सा मैग्नेट लगता है, तो जो ये आई बटन पर लिंक आ रहा है आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ट्विस्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से एक एक तार निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से भी निकाल लेता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्या है, मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो इसलिए हो जाता है कि मैं पूरी तरह से समझाता हूँ। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि कुछ भी लिया बता दिया और आप प्रैक्टिकली जब उसको करने को बैठे तो वो होगा नहीं। फिर मैं आपको शुरू से A to Z बताता हूँ, इसलिए कि अगर आप उसको देखकर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ट्विस्ट की जाती हैं, जोड़ी जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले एक उंगली में दबा ली, फिर दूसरी उंगली से ढकेल के गुल को तोड़ ली जाती है। अब मैं थोड़ी सी जल्दी जल्दी जोड़ लेता हूँ और फिर आपको इसका दिखाता हूँ कि किस तरह से निकालते हैं, क्या होता है। और इससे अगली वीडियो में, मैं अगला वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें हम देखेंगे कि ये वर्क जोड़ने के बाद ये रीड और राच के अंदर कैसे लेते हैं, अंदर कैसे जाता है, तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा 1-2 दिन आप में। सभी से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें नोटिफिकेशन को, इसलिए कि नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब अपलोड हुई क्या हुआ। ऐसे ही हैंडलूम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे YouTube चैनल हैंडलूम नेटवर्क को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो के आखिर में भी मैं कुछ वीडियो डाल दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जकार्ड कैसे वर्क करती है, ये जो आई बटन पे लिंक आ रहा है आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तार को छाटी जाती है एक एक। ये देखिए, ये इतनी जुड़ गई हैं मेरी तारें। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हैंडलूम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर मिले। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से एक एक, ये देखिए, ये एक एक तार को छांट कर निकालना होता है। देखिए ऐसे, देखिए इस तरफ से उस तरफ से दबाएंगे तो ये आ गई। ठीक है, इसी तरह से इन गुरारों पे से निकालनी होती है एक एक तार। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आने की स्थिति में वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।